न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर, जैसा अभी हमें पता लगा है कि हमारे देश के एक बहुत ही विख्यात नायक हैं इरफान खान जी, उनको हुआ है। अभी केवल यही आया है कि उनको न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर है, क्योंकि अभी हमने देखा रिसेंटली वो काम कर रहे थे, तो हमें लगता है कि उनकी ये बीमारी अभी इनिशियल स्टेज में है, जिसका कि इलाज संभव है। अतः अगर ये फैली हुई बीमारी होती तो वो अभी तक इतना काम नहीं कर पाते, उनको सिम्टम्स से वो अपना डेली एक्टिविटीज़ या अपना रूटीन फिल्म वर्क शूटिंग वगैरह नहीं कर पाते। तो ये सब बातें कि उनके पास ज़्यादा टाइम है कम टाइम है, अच्छी चीज़ ये है कि जल्दी पता लग गया है और इसका इलाज संभव है, जिसके लिए वो आई थिंक विदेश जा रहे हैं इलाज के लिए। हमारे शरीर में बहुत सारे ग्रंथियाँ होती हैं जिनको कि एंडोक्राइन ऑर्गन्स कहते हैं। ये हर सबके शरीर में होती हैं और ये अपने हिसाब से कुछ शरीर के लिए आवश्यक हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि शरीर के विभिन्न अंगों पे जाके एक्ट करते हैं और अपना अपना फंक्शन दिखाते हैं। जैसे पेनक्रियास है, इंसुलिन निकालता है, और जो भी हम फूड खाते हैं उसमें जो भी कार्बोहाइड्रेट या शुगर होता है उसके ऊपर इंसुलिन उसको ऊपर एक्ट करता है और उसको फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करके जो भी उसका न्यूट्रिशन है उसके न्यूट्रिशियस पार्ट में ले जाता है। अब अगर ये ऑर्गन अपने जो इनकी डेली ज़रूरत है, जितने हार्मोन्स की ज़रूरत है, उससे अगर जब ये ज़्यादा निकालने लगते हैं, या फिर ये यही सेल कहीं और शरीर में ग्रो करने लगते हैं, तो वो न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स कहलाते हैं।